क्या नाम था आपका बेटा का? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज बात हम करेंगे मोकामा की। मोकामा का नाम आपके जहन में आते हुए ख्याल आ रहा होगा, मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का। अनंत सिंह फिलहाल इस वक्त जेल में हैं और मोकामा पहुंच चुके हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह डटकर। तस्वीर देखिए किस तरीके से तस्वीर निकल के आ रही है मोकामा से, जहाँ पर खबर निकल के आई कि साउंड बॉक्स के विवाद में बदमाशों ने दो महादलित युवकों की पीट पीट कर और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेरहमी से यह हत्या मोकामा के घोसवारी थाने के टाल इलाके में हुई थी, जहां पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मृतकों के परिजन से मुलाकात करने पहुंचे थे। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे। क्या हुआ, क्या घटना हुई? कहाँ गया था? मैदान पर होने से दुश्मन नगर तेरे में गुच्छे लगा के खींचने। कितना लोग था? कितने लोग थे? 10 लोग। और कितना, क्या नाम था आपके बेटा का? सोले दो लोग थे ना, क्या कोई बात हुआ था उस वजह से? हुआ क्या, किसी बात पे हुआ था? पहले बातें होती थी चुनाव के वक्त, अक्सर ये बातें होती थी कि आज तक कभी कोई नेता जो है वो मोकामा नहीं आया है। सिर्फ अनंत सिंह को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि वो वहीं से विधायक हैं, टाल में आकर महादलितों से कभी उनका हाल चाल नहीं जाना है, कभी उनका दुख सुख नहीं जाना है। तो ये तस्वीरें आज उन सभी लोगों को जवाब दे रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह, जब लालू प्रसाद यादव पहले जेल में नहीं थे, बाहर थे, उस वक्त कहीं भी कुछ भी हो जाता था, सिर्फ खबर लगने की देर रहती थी, पहुँच जाते थे काफिला लेकर। और वैसी ही तस्वीरें आज निकल के आ रही हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। जो प्रेस विज्ञप्ति हमारे पास आई है उसके अनुसार उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि पहले भी लगातार जितने आरजेडी के नेता हैं वो कहते आए हैं कि अपराध का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, उसका सिर्फ एक जात होता है कि वो अपराधी है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। खबर यह भी निकल के आई कि पटना के SSP उपेंद्र शर्मा, ग्रामीण SP KK मिश्रा व बाढ़ ASP अवरीश राहुल भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। परिजनों के बयान पर मनीष यादव, विपिन यादव सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और छानबीन की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरीके से पिछले दो दिन पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब विधानसभा पहुंचे थे उसके बाद घर पर भी उनके कितना हंगामा हुआ था गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर। तो कहीं ना कहीं अपराध हो और बेरोजगारी हो, इन दोनों ही मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है और चुनाव के समय ही लपक लिया है। पहले भी जब हमने उनसे खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि क्या अपराधियों को गोली मारने का पास दिया गया है बिहार में और हम क्या नहीं जा सकते हैं परिजनों से मुलाकात करने? गोपालगंज तिहरे हत्याकांड के बाद जब वो परिजनों से मिलना चाहते थे उस वक्त उन्हें रोक दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, उन्हें नहीं जाने दिया गया, उनके सभी विधायकों को, और FIR भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन आज बिना बताए किसी को, बिना कुछ बोले मोकामा टाल पहुंच चुके हैं, जैसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव पहुंचा करते थे। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, अनंत सिंह तो फिलहाल नहीं है मोकामा में, लेकिन मोकामा टाल तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, लोगों का हालचाल जाना है और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके ये कहा है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें ढूंढ निकालिए और जो परिजन हैं उनके, उन्हें उचित मुआवजा सरकार जल्द दे। RJD भी उनके साथ सुख दुख में खड़ी है और मदद भी करेगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे पहले लालू यादव घूमा करते थे, अब वैसे ही तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। चुनाव आने वाला है 2020 का, क्या उससे पहले सभी जातियों से परे होकर तेजस्वी यादव राजनीति कर पाएंगे? क्या वह अपने पिता की तरह पूरे बिहार का भी भ्रमण करना है और लोगों से सीधा संपर्क रखना है, क्या उतना वो कर पाएंगे? अभी आगे बहुत सारे कठिन परीक्षाएं जो हैं उनकी बाकी हैं, देखते हैं कहां कहां वो पहुंच पाते हैं। आप लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा लाइव सिटीज को ट्विटर हैंडल पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।